नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पेटीएम फाउंडेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रयास से बच्चों को लैपटॉप दिया गया। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बच्चों को लैपटॉप दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लैपटॉप लैब का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और पेटीएम फाउंडेशन के हेड के पराशर भी मौजूद रहे। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज के बच्चों को तकनीक से लैस होना चाहिए। इस तरह से हर सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाएंगे ताकि यहाँ के बच्चे एक बड़ी पहचान बना सकें। आपने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखा होगा कि चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बच्चों का इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, जगह जगह लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट इस सरकार बांट रही है। और मैं पेटीएम संस्था को आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी कुशल नेतृत्व करना करता जो हमारी महापौर हैं, उन्होंने जब आग्रह किया मुझसे और मैंने पेटीएम से आग्रह किया तो मालवीय मिशन के आदरणीय के पाराशर जी ने आज 150 लैपटॉप देने की बात कही है। 50 आज उन्होंने दिए हैं और 25-25 बाकी नगर निगमों को और 50 जो है वो नवयुग डिग्री कॉलेज को 50 जो लैपटॉप देने की बात आज और हुई है। और मैंने भी 1,25,00,000 रुपया अपने सांसद निधि से नगर निगम के डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी महापौर जी तय करेंगे वो देने की बात करी है। मुझे खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में नगर निकाय बढ़कर आगे आई है और इससे लखनऊ का स्थान बहुत आगे है। आज पूरे देश में बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और पढ़ते पढ़ते ही उनको रोजगार मिल जाए, यानी रोजगार परक शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति का एक प्रावधान है। मैं शिक्षा मंत्री था तो उसी समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों को बदला था और आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय A++ नेक की ग्रेडिंग में हो चुके हैं और जो पाठ्यक्रम हमारा है उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा पाठ्यक्रमों में से उसकी गणना है और अब बच्चे को पढ़ते पढ़ते ही उसका प्लेसमेंट हो जा रहा है, नौकरी मिल जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश हर चीज में अग्रता योगी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हासिल कर रहा है। जहां सरकारी तौर पर टैबलेट और मोबाइल बंट रहे हैं, वहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी ये महापौर जी की पहल को मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है और फिर से मैं पेटीएम को धन्यवाद दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।